बचपन और कहानियों का एक अलग ही नाता है। ये कहानियां ही तो हैं जो जिंदगी की छोटे से छोटी सीख बड़े ही सहज और सरल तरीके से दे जाती है, और इसी सीख पर निर्भर करता है बच्चों का व्यक्तित्व। ये इन कहानियों का जादू ही है जो बच्चों को जीवन भर भूलने नहीं देगा कि जिंदगी में नैतिक मूल्य का होना कितना जरूरी है। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी सुनते हैं। दरियाई घोड़ा जो गाना चाहता है। एक बार की बात है, एक बड़ा और मस्त मौला दरियाई घोड़ा एक सुंदर झील में रहता था। वे बहुत खुश मिजाज था और हमेशा खुश रहता था, लेकिन उसके दिल में एक अनोखी ख्वाहिश थी। वे गाना गाना चाहता था, पर उसकी भारी आवाज और गाने की कमी की वजह से झील के दूसरे जानवरों ने उसे कभी गाने का मौका नहीं दिया। एक दिन दरियाई घोड़े ने अपने दोस्तों से कहा, मुझे गाना गाने का बहुत शौक है, क्या मैं तुम्हारे लिए एक गाना गा सकता हूँ? सभी जानवर हंस पड़े और बोले, तुम्हारी आवाज गाने के लिए नहीं बनी है, तुम इससे अच्छा तैराक हो, तैराकी ही करो। दरियाई घोड़ा उदास हो गया और लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह एकांत में जाकर गाना गाने की प्रैक्टिस करने लगा। धीरे धीरे उसकी आवाज में सुधार होने लगा और उसे गाने में मजा आने लगा। एक दिन झील के पास एक बड़ा मेला लगा। मेले में एक गाने की प्रतियोगिता होनी थी। दरियाई घोड़े ने सोचा, ये मेरे लिए एक अच्छा मौका है। उसने प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय लिया। प्रतियोगिता के दिन दरियाई घोड़ा मंच पर आया। सभी जानवर उसे देखकर हैरान थे। उन्होंने सोचा कि दरियाई घोड़ा कैसे गाना गा सकता है। लेकिन जैसे ही दरियाई घोड़े ने गाना शुरू किया, सभी चुप हो गए। उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि सब मंत्रमुग्ध हो गए। जब गाना खत्म हुआ, सभी जानवरों ने जोरदार तालियां बजाई और दरियाई घोड़े की तारीफ की। दरियाई घोड़े ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप किसी काम को दिल से चाहें और उसके लिए मेहनत करें तो आप जरूर सफल होंगे। शिक्षा, अपने सपनों को कभी मत छोड़ो। मेहनत और लगन से आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।